Everyone, welcome to the AR Public School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about types of plants in this lesson 19, and lesson name is Plant Kingdom. Topic name is Types of Plants. First point is plants are Plants are of various shapes, size and colors. आकृति, आकार और रंग में प्लांट्स होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और टाइप्स ऑफ प्लांट्स का पहला देखेंगे हम लोग ट्रीज। फर्स्ट होगा हमारा ट्रीज। ट्रीज के बारे में पहला पॉइंट्स, वेरी बिग प्लांट्स called trees. देखो, प्लांट्स और ट्रीज में क्या अंतर है? प्लांट्स और ट्रीज दोनों एक दूसरे के हैं। ट्रीज का मतलब होता है पेड़ और प्लांट्स का मतलब होता है पौधा। प्लांट्स उसको बोलते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, और ट्रीज उसको बोलते हैं जो बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत मजबूत। समझ गए मैं प्लांट्स और ट्रीज में क्या अंतर है? प्लांट्स छोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और ट्रीज काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफी बड़े बड़े होते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं वो ट्रीज कहलाते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं वो प्लांट्स कहलाते हैं, और थोड़ा सा प्लांट्स वीक होते हैं। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। ट्रीज हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम। स्टेम मतलब तना। जैसे देखो ये सब जो है ना ऊपर निकला हुआ है यही, तो ट्रीज के जो स्टेम तना होते हैं काफी हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें मतलब लकड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं जो हार्ड स्टेम होता है, ठीक है, हार्ड स्टेम जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं, ठीक है, स्टेम कॉल्ड ट्रंक, ठीक है, स्टेम कॉल्ड ट्रंक। नेक्स्ट, दे सर्व एज ए होम। वो घर के जैसे काम करते हैं, किसके लिए? फॉर मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे जानवरों के लिए और चिड़ियाओं के लिए वो घर का काम करता है। कौन? प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अगला पॉइंट है कि सम ट्रीज
सम ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स कुछ ट्रीज जो होते हैं कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं काफी दिनों तक जीवित रहते हैं काफी दिनों तक रहते हैं और कुछ जो होते हैं जल्द से जल्द खराब हो जाते हैं ठीक है ना जो जिसको हम लोग बोलते हैं सूख जाते हैं तो नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक वो सब सब्स देखेंगे सब्स का पहला पॉइंट होगा सब्स आर Shrubs are shorter and smaller than trees. Next, they are mossy. Plants with thin brown stems. They live for a few years. देखो shrubs के बारे में shrubs are shorter and smaller than trees shrubs जो होते हैं छोटे होते हैं ठीक है किससे ट्रीज से पेड़ से नेक्स्ट they are bushy bushy मतलब झाड़ीदार जंगल झाड़ी होता है ना वैसा they are bushy plants ये झाड़ीदार पौधे होते हैं with thin brown stem इनके जो तनाएं होती हैं देखो ये सब पतला पतला They live for a few years. ये कुछ वर्षों तक ही जीवित रहते हैं उसके बाद ये डैम कर जाते हैं मर जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है हर्ब्स हर्ब्स जो होते हैं ये दवाई के भी काम में आते हैं हर्ब हर्ब्स आर फर्स्ट पॉइंट हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं एंड दे लिव यानी जीवित रहते हैं ओनली फॉर वन और टू सीजन Next, they have thin, patla, soft, mulayam, and green, hara stems. मैं बोला था ना इनका प्रयोग जो होता है मेडिसिन के रूप में जल्दी मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग होता है ठीक है देखिए हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स
हर्ब्स जो होते हैं बाबू ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं पलंग पर, एंड दे लिव ओनली फॉर वन और टू सीजन। वन और टू सीजन का कहने का क्या मतलब, कि जैसे मान लो वाटर मिलन होता है, ककड़ी वगैरह आता है, खरबूज वगैरह आता है, खीरा वगैरह आता है, वाटर मिलन तो तरबूज वाटर मिलन तो देखते हो ना वो गर्मी के मौसम में आता है, हमेशा तो नहीं आता है। तो सब चीज का एक सीजन होता है, गेहूं का सीजन अलग होता है, धान का सीजन अलग होता है, तो वैसे ही सीजन होते हैं, किन सीजन में कौन सा फसल होता है। तो ये जो हर्ब्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक या दो सीजन तक जीवित रहते हैं, अन्यथा ये डेड कर जाते हैं। दे हैव थिन, ये पतले होते हैं, सॉफ्ट मुलायम होते हैं, एंड ग्रीन स्टेम होता है, इनका तना जो होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है। द लीव्स ऑफ हर्ब्स, जो हर्ब्स के लीव्स हैं, जैसे देखो यहाँ पे स्पिनिच और टोमेटो, टमाटर और स्पिनिच, ठीक है, इनके जो तनाएं होती हैं, सॉरी इनके जो लीव्स होते हैं, पत्तियां जो होती हैं, आर यूज फॉर एज फूड, इनके पत्तियों को हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इन मेडिसिन दवाइयों में प्रयोग करते हैं, एंड दवाई परफ्यूम्स बनाने में, जैसे सेंट वगैरह में बनाते हैं ना, तो परफ्यूम्स बनाने में एंड फ्लेवर बनाने में, इन सारी चीजों में बनाने में हम इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद अगला टाइप्स हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे क्लिम्बर्स, क्रीपर्स, जैसे ये लाता हुआ उसका पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, उसका यूज ऑफ प्लांट्स, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, जो नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे यानी अगले वीक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव ए नाइस डे।